जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कार्तिक महात्म्य का 26वां अध्याय सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद में आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज का अध्याय 26। नारद जी बोले कि इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, प्रायः सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु जी यज्ञ दान व्रत तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा उनके समाप्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। दोनों पार्षदों अपने ही पूर्व जन्म की कथा कहने लगे कि हे द्वेज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृतांत सुनाते हैं, सावधानी पूर्वक सुनो। ब्राह्मण पहले कांचीपुरी में चोल नामक का एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे तो उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र दुखी पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गया, जहां जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निंद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहां भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि मुक्ता फल तथा स्वर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके जीव ही बैठा, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्ते से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा कुपुत होकर बोले कि विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्णों से भगवान की जो पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी। तुमने तो तुलसी दल चढ़ाकर उनको ढक ही दिया, बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते हो। राजा की यह बात सुनकर द्वेज श्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है, केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बतलाइए तो आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? नृप श्रेष्ठ चोल ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ और दान आदि नहीं किया और ना पहले कभी कोई देव मंदिर ही बनवाया है, इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना गर्व है। अच्छा, तो यह सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन ले, भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या यह ब्राह्मण, इस बात को आप सब लोग देखे, फिर हम दोनों में किसकी भक्ति कैसी है यह सब लोग स्वतः ही जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहाँ उन्होंने महर्षि मुंद्रल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रयुक्त नियमों में तत्पर्य विष्णु दास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान
तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को द्वादशाक्षर मंत्र का जाप, नित्य गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन पोटसोपचार से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते हर समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वप्रथम सम हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही स्थित देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान विष्णु लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे और दोनों की ही संपूर्ण इंद्रियां तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल व्यतीत किया। तो ये है कार्तिक मास का 26वां अध्याय। इसके आगे की कथा आप लोग अगले अध्याय में सुनिएगा। तो ये कथा यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई कार्तिक महात्म्य के कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।